कारण ये पूरा मंदिर बना हुआ है। जब तक इनके दर्शन नहीं होंगे यहाँ की जो यात्रा है वो सफल ही नहीं होती। 2500 साल पहले महाराजा बैनीदत्त ने इस ज्योत को जलाया था परमंडल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ चुका हूँ मैं परमंडल का व्लॉग लेके। आपको बताता चलूँ, जम्मू से परमंडल का डिस्टेंस 21.5 किलोमीटर है। मेरी लास्ट वीडियो उत्तर बहनी में बनी हुई है, जहाँ पर मैंने पूरा आपको हिस्ट्री बताई है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट करो, ऊपर लिंक है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जम्मू देवी देवताओं की धरती है। जम्मू के तकरीबन हर एक इलाके में एक देवस्थान ज़रूर है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पर जब भी कोई संकट आया तो देवी देवताओं की भूमि हमेशा हर संकट से लड़ती रही, और ना सिर्फ लड़ती रही पर जीतती भी रही। माँ वैष्णो देवी के ऐतिहासिक स्थान से लेकर श्री अमरनाथ जी के सुप्रसिद्ध स्थान के दर्शन के लिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे भी कई और स्थान भी हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं परमंडल के सुप्रसिद्ध देवस्थान की, जिसके बारे में जम्मू में कई सारे लोग जानते हैं लेकिन गए नहीं, और कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं। तो आइए चलिए, आज हमारे साथ हम आपको लेकर चलते हैं परमंडल के उस पवित्र स्थान में, जो सांबा जिला से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो जम्मू से सांबा की ओर बढ़ते हुए आपको बड़ी ब्राह्मणा से पहले परमंडल मोड़ से बाईं ओर मुड़ना होगा। अगर आप अपना साधन नहीं ला सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। चलिए करते हैं दर्शन उमापति महादेव जी के। तो अब हम करेंगे बात पंडित जी से और पूछेंगे कुछ यहाँ का इतिहास और कैसे हुआ मंदिर का निर्माण। चलिए जानते हैं पंडित जी से। मेरा नाम है मिंटू शर्मा, मैं यहाँ पे पुजारी, और ये जो हमारे जो परमंडल का मंदिर है, ये मंदिर बने हुए हो गया 2500 साल, 2500 साल।
मंदिर बनाए हुए हैं। ये जो बीच में जो उमापति महादेव है इनका तो पता ही नहीं कितने हजार साल पुराने ये मंदिर बना हुआ है एक गिद्ध के कारण, गिद्ध होती है लोमड़ी, उसी के कारण ये मंदिर बना हुआ, क्योंकि वो जो जो वो गिद्ध थी वो इनकी सेवादार थे, देवर यहीं पर चारा वारा खाते थे, इसी कुंड का पानी पीते थे, यहीं पर रहते थे। महाराजा बैनी दत्त कश्मीर के राजा अवंतिकापुर के रहने वाले, उन्होंने उस गिद्ध का जो था वो शिकार कर दिया, उसकी तो गति होगी, इनके चरणों में मृत्यु होगी, पर वो राजा बीमार हो गया। उसने अपनी सेना को बोला यहाँ से वापस चलो, भक्ति हो गया, वो वापस चले गए। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई दो साल के बाद इसी गिद्ध ने उसके घर में लड़की बन के जन्म लिया। वो बहुत खुश हुआ कि लड़की भी, पर वो रोती बहुत थी, रोती इस वजह से क्योंकि उसको पहले जन्म का तीर लगा हुआ था, उसको सर दर्द होता था। उसने अपने पंडित जोशी वगैरह जो भी थे उस टाइम उन्होंने बुलाया, उन्होंने देखा, उनका तेरे को तो हत्या लगी। वो कह रहा मैं राजा हूँ, मेरे को हत्या कैसे लगी, अगर तुमने गिदड़ी का शिकार किया, अगर मैंने अपने जीवन में हजारों गिदड़ियाँ मारी है, मेरे को नहीं पता मैंने ये वाली गिदड़ी काम आ रही है। उस टाइम उन्होंने निशानी दी थी, यहाँ से हम नीचे देखते हैं कि वो गुप्त गंगा है, माता पार्वती का रूप है, और ये जो आप शंभू निकले हैं वो खुद नहीं आया, उसने अपनी सेना भेज दी। जैसे वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचा, उन्होंने देखा जहाँ पे खोपड़ी पड़ी हुई है उसको तीर लगा हुआ, जैसे उन्होंने वो तीर निकाला वो लड़की ठीक हो गई। वो अपने सारे परिवार के साथ यहाँ पे आया, इस मंदिर का निर्माण करवाया, और ये अखंड ज्योत भी उसी ने जलाई थी उसी टाइम 2500 साल पहले, और उस गिद्ध का जो मोरा बना के इसके बैक साइड पीछे उसकी स्थापना करवाई हुई है। कि कहते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद उस गिद्ध के दर्शन करना भी जरूरी है। बोल शंकर भगवान की जय। ये भैया वो गिद्धड़ी जिसके कारण ये पूरा मंदिर बना हुआ है, जब तक तो इनके दर्शन ही होंगे जहाँ की जो यात्रा है वो सफल ही नहीं होती। काशी विश्वनाथ जी है, ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्थापना करवाई हुई है। क्योंकि उस टाइम जो हमारे लोग थे वो काशी नहीं पहुंच सकते थे, पैसा नहीं था, साधन नहीं था जाने का, तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने वहां का नक्शा यहीं पे स्थापित करवा दिया। यहाँ पर आपको 1400 शिवलिंग देखने को मिलेंगे पूरे परमंडल में। मंदिर के बिल्कुल चारों तरफ ऐसे आपको छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये था हमारे परमंडल का व्लॉग, एंड हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए, काफ़ी मज़ा आया, और हमने पंडित जी से बात करी, उन्होंने हमें इस जगह के बारे में पूरा बताया कि कैसा निर्माण हुआ, और मुझे आज दर्शन करके इतना मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना मन को। मिनी काशी कहा जाता है इस जगह को, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, और पंडित जी से भी हमें बात की, उनसे भी बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इस प्लेस के तो क्या कहने, मिनी काशी गुप्त गंगा यहाँ से निकली हुई है, बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पे आके। तो नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे यहाँ पे तो दो ट्रैक यहाँ पे और भी हैं, तो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ पंडित जी ने शेयर किया है कि यहाँ पे दो ट्रैक्स और हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने वाला हूँ, क्योंकि ये एक प्लेस ऐसी है जो अनएक्सप्लोर प्लेस में आती है, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पूरा बताने वाला हूँ और भी कुछ यहाँ के टेम्पल्स के बारे में। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, मेरा दोस्त यहाँ पे वेट कर रहा है, तो देख लीजिए ये खड़ा हुआ है, तो मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। है क्या चीज़ है सेमिया ना सेमिया